मैं हूँ अभी जायका चाइनीज़ सेंटर के रेस्टोरेंट के किचन में, और शेफ़ राकिब है हमारे साथ। और आज शेफ़ हमें बता रहे हैं एग शेज़वान नूडल की रेसिपी, कि रेस्टोरेंट में एग शेज़वान नूडल कैसे बनता है। तो शेफ़ स्टार्ट करते हैं। तो हमने अभी चाइनीज़ वोक ले लिया, उसको पहले अच्छे से हीट कर लेंगे और प्रॉपर ऑयलिंग कर लेंगे। ऑयल को अच्छे से फैलाने के बाद इसमें कुकिंग ऑयल डाल देंगे। और एग शेज़वान नूडल बन रहा है तो इसमें हम अंडा डाल देंगे। अंडे की क्वांटिटी आपको ज़्यादा डालना है। एग को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। इसके बाद हम इसमें कैबेज और कैरेट कटा हुआ है वो डाल देंगे, और फिर अनियन और कैप्सिकम डाल देंगे, और इन सबको भी फ्लेम पे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तेल अगर आपको कम लग रहा है तो आप इसमें और ऑयल डाल सकते हैं। अब हम पहले से ही बॉइल्ड नूडल्स है वो डाल देंगे और फ्लेम हाई रखते हैं और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब फ्लेम को थोड़ा लो कर लेंगे मीडियम फ्लेम में। इसमें टेस्टिंग पाउडर डाल देना है, नमक डाल देंगे और वाइट पेपर पाउडर डाल देंगे, और थोड़ा सा इसमें स्टार फ्लावर पाउडर जो होता है वो डाल देंगे। और शेज़वान नूडल है तो शेज़वान सॉस डाल देना है, और थोड़ा सा इसमें रेड फूड कलर डाल देंगे, और ऊपर से स्प्रिंग अनियन डाल दीजिए और फ्लेम हाई करके इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। अभी हम इसमें बटर डाल देंगे और उसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। फ्लेम हाई करके अच्छे से मिक्स करते रहना है। लगभग 3 से 5 मिनट आपको हाई फ्लेम पे मिक्स करते रहना है। हाँ भाई, हम इसमें स्प्रिंग अनियन डाल देंगे और इसे 1 से 2 मिनट मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा एग शेज़वान नूडल जो है वो रेडी हो गया है। इसे अगर आपको टेस्ट करना है तो आप जायका चाइनीज़ सेंटर फोर्ट एरिया में जो रेस्टोरेंट है वहाँ आके आप इसे टेस्ट भी कर सकते हो। और अगर आप मुंबई से नहीं हो तो आप अपने घरों में बनाइए और हमें कमेंट्स में बताइए कि आपका एग शेज़वान नूडल कैसा बना। और भी ऐसी रेस्टोरेंट रेसिपीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।